तो हम लोग आ चुके हैं आलिशान ढाबा, आज हमारा फेयरवेल है। तो फेयरवेल अभी तो हम लोग का सेकंड मीटिंग है, अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। मिस्टर मोहम्मद साबिर भाई, हमारी पूरी गैंग अभी अंदर है और बाकी सब बाहर है, आधे लोग इधर बैठे हैं। ये हमारे मोहम्मद आतिफ जो कि हमारे क्लास के एकदम सन्नाटा स्टूडेंट, जिसको सन्नाटा कहते हैं। और ये हमारे मोहम्मद सेहरान सिद्दीकी जो कि हमारे स्कूल के बाबू जाने जाते, बाबू के नाम से जाने जाते हैं। हमारी मैम इनको प्यार से बाबू बुलाती हैं। ये मिस्टर मोहम्मद साबिर सिद्दीकी, ये हमारे क्लास के बहुत बड़े शायर। जी जी जी, अभी शेर चलेगा कुछ देर, कुछ देर बाद इनके शेर आपको सुनने को मिलेंगे। हमारे क्लास के महान हस्तियां इधर बैठी हैं, जो कि हमारे क्लास की सबसे महान हस्तियां हैं। आप सभी तो जानते ही होंगे इन सबको। इनकी शादी है रहीम लाला, अभी जल्द फेयरवेल के सेकंड दिन इनकी शादी होने वाली है। जो इनका सूट यही रहेगा, बाकी हम लोग तो बावर्ची टाइप लग रहे हैं एक टाइप में। कोई बात नहीं, हम लोग इनकी शादी में बावर्ची भी बन जाएंगे। ये देखिए हमारे बावर्ची का हेड यही रहेगा, मोहम्मद कलीम। इनकी शादी में इन्होंने ठीका इन्हीं ने लिया है। और ये हमारे क्लास के कुछ होनहार स्टूडेंट, जो कि हर काम में करता धरता, जो भी कुछ बिगड़ना बनाना रहता सब तब का काम का यही गैंग है। इतने लोग, सबसे मेन लीडर यही है साला, मेन लीडर, दूसरा मेन लीडर, सबसे तीसरा मेन लीडर है अलकमा भाई हमारा। ये करने से पहले 100 बार सोचेगा, लेकिन वो काम को करेगा जरूर, बेड़ा डालेगा काम में, काम में दखल अंदाजी करेगा, लेकिन साला करेगा जरूर। लास्ट टाइम में हाँ भर देगा, लेकिन शुरुआत में बेड़ा करता है। स्कूल की एंट्री के लिए बम बना है, दीवार बम जलाने वाला बम नहीं। ये हमारे क्लास का फेयर, मैम ने क्या बोला, हाँ फेयर कॉम्प्लेक्स, फेयर कॉम्प्लेक्स सबसे कैरेक्टर ऑफ, हाँ नॉन रिसेसिव कैरेक्टर इसमें, ये तो बात है। पॉइंट इसमें पॉइंट है, ये नॉन रिसेसिव है, ये नॉन रिसेसिव है। जो खराब जीन होती है वो नहीं है तुम्हारे, हाँ जो खराब जीन इसके अंदर नहीं है। अच्छा इंग्लिश समझो, अच्छा ये मैथ वाला है, सॉरी सॉरी ये मैथ वाला है, ये मैथ वाला है, ये मैथ वाला। तो ये हमारे क्लास के जिमर बॉय, जो हम एक बार कोशिश करेंगे अपना शोले डोले शोले दिखा सकते हैं, दिखा दीजिए शर्माइए मत। ये हमारे क्लास के जिमर बॉय, आलू आलू इनका जूता दिखा दीजिए। और ये हमारे फेयरवेल के महान कर्ता धरता, जो कि हमारा पूरा फेयरवेल इन्हीं के ऊपर डिपेंड था। ये हमारे फेयरवेल के महान कर्ता धरता, जो कि हाथ पैर सब तोड़ के बैठे, ये देखिए सर कर्ता धरता, फोटो खिंचा रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे, फोटो खिंचाते टाइम गाड़ी ठोक दी किसी ने आके। और ये बहुत ही शांत स्वभाव के मिस्टर गुलाम हसन, हमारे क्लास के जो कि 3 टॉपर्स में से आते हैं, 3 टॉपर्स में से आते हैं क्लास के, बहुत ही अच्छे पढ़ने लिखने में है, डरते बहुत ज्यादा है, हर चीज से बहुत ज्यादा डरते हैं ये। ये मुजम्मिल भाई जो कि 2 साल पहले हमसे मिले हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे हैं, हम लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल गए, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। इनको आप समझने में बहुत, मतलब इनको समझने की जरूरत नहीं, आप रहेंगे आप महीना 2 महीने रहेंगे खुद समझ जाएंगे, समझने की कोई 2 मिनट के लिए पॉज। ये हमारे क्लास के न्यूटन महान कर्ता धरता, वालेकुम सलाम भाई। वो हमारे कैमरामैन मोहम्मद खालिद बहुत दूर हैं, अगर हम जूम करेंगे, असल में उनका फेस थोड़ा सा डार्क टाइप है ना, तो जूम करने में थोड़ा टाइम, देख लीजिए यही हमारे महान कर्ता धरता। तो गाइज अब आपको क्या बताएं, जो हमारा 12th का पूरा मतलब सेशन हमने 12 साल इस स्कूल में गुजारे हैं, मिल जाएगा फोटो मिल जाएगा, हमने 12 साल इस स्कूल में गुजारे हैं। अब क्या ही बताएं, जो ये फीलिंग है वो बस जिस पे आती वही जान सकता है। हम कितना भी कुछ बयां कर दें बोल दें, सामने वाला बस सुन लेगा, लेकिन जिस पे गुजरती है वही जानेगा कि इस कैसे एक्सप्रेस करें, नहीं समझ आता। जो ये दिन है ना, अभी तो इंजॉयमेंट हो रहा, अभी सब यार दोस्त सब साथ हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद यही यादें बन जाएंगी, क्या ही कहें। इस 12 साल में हमने बहुत सी मस्तियाँ की। ये हमारा भाई है, सगा भाई,
कोई सगे भाई से कम नहीं है। दो ही साल मिले तो थे बहुत बचपन से, लेकिन जब सीनियर हुए, सीनियर में आए तो हमारा क्लास अलग हो गया, लेकिन मुलाकात सबसे पहले हमारी स्कूल में इन्हीं से हुई थी। हमारा सफ़र बहुत सुहाना था, बहुत ही कुछ हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ इन्जॉयमेंट, हर एक चीज़ हमने स्कूल लाइफ की जितनी थी हमने स्कूल लाइफ अपनी जी। अब आप लोगों पे डिपेंड है कि आप लोग कैसे अपनी स्कूल लाइफ जीते हैं। भाई अब बता नहीं सकते क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पे ये आएगा वही जानता है कि कैसा फील होता है। क्या कर सकते हैं गाइस, स्कूल से हमारा जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ रहा है। जब हम स्कूल में आए थे तो हम बस यही सोच रहे थे कि हमें छुट्टी चाहिए, हमें स्कूल में रहना नहीं, कब जाना, कितनी जल्दी हमें छुट्टी मिले, कितनी जल्दी हम घर पहुँचें। लेकिन अब जब इस घर से जा रहे हैं तो लग रहा है इस घर से जाने का मन नहीं कर रहा है। कहाँ जाओ? ये हमारे खालिद भाई बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, मतलब इनको किसी चीज़ अगर, मतलब हम अगर इनको कुछ समझा रहे, हम नहीं कोई भी समझा रहा हो तो उसको समझने में गलती नहीं करते हैं, हर एक चीज़ एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं और उसमें सहयोग भी करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप गलत हैं तो आपको तोहमत देंगे, तोहमत नहीं देते, आपको समझाते हैं, सिखाते हैं क्या गलत किया आपने, क्या सही किया, हर चीज़ का सही मोटिव बताते हैं। ये हमारे क्लास में बहुत सी गलतियाँ भी हुई, इन्होंने सुधारा भी। ये हमारी जान नन्नी मुन्नी जान, जान हमारी जान बच्ची इसमें, हमारी जान भैया, हमारे भैया हैं ये, हमारे भैया हैं। अब इनके बारे में क्या ही बताएं, कुछ भी बता देंगे सब कम है इनके लिए, ये हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है। इसको छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा लेकिन जाना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। कुछ दिन बाद कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे कुछ पता नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे ना रे कुत्ता हुआ, इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे। हमने ट्रिप बनाई है यार मुंबई जाने की एक साथ, जिधर 12th का पेपर ख़त्म हुआ हम सब मुंबई टहलने के लिए, इंजॉयमेंट फुल इंजॉय। लेकिन ये देखिए महान शख्सियत देखिए, मोहम्मद सैफ से देखिए एकदम स्मार्ट, देखिए सिक्स पैक वाला इंसान। अभी तो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, अभी हमारी फेयरवेल पार्टी शुरू नहीं हुई है, कुछ टाइम बाद हमारी फेयरवेल पार्टी शुरू हो रही है। अभी स्कूल से कॉल आएगा तब हम सभी साथ जाएंगे, जब उधर से कॉल आएगा तो हम सब जाएंगे। अभी तो बता नहीं सकते कैसा कैसा फील कर रहे हैं, कुछ चीज़ें की खुशी हो रही है कि आगे चल के अब अपनी फ्यूचर सेट करना है, लेकिन फ्यूचर सेट करने के चक्कर में हमारे भाई दोस्त यार सब छूट जाएंगे। छूट तो ये नहीं कह सकते कि छूट जाएंगे, मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन कहते हैं जो मज़ा साथ जीने में है वो दूर से जीने का मज़ा कुछ नहीं है। सब कुछ बोल डाला हमने, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी, क्या बताएं, इन लोगों को छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा है लेकिन जाना पड़ा। देखिए हमारे भाई हम मुझे बुला रहे हैं, उन लोगों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराते हैं, हम थोड़ा सा धीरज रखिए, हम इंट्रो सबका कराते हैं, धीरे धीरे सबका कराएंगे। बहुत ही प्यारे भाई हमारे हैं, देखिए गाइस ये हमारे क्लास के बैक बेंचर्स भाई ये हमारे क्लास के रियल बैक बेंचर्स यही हैं सारे, मिट मंदली इन्होंने अपने टीम का नाम मिट मंदली रखा है। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा बच्चा है जो कि लवंडियों में सबसे पहले जाता है। और ये हमारा जो कि कह सकते हैं हमारे क्लास के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, चलो अब थोड़ा सा एक बंदा और बचा उसको भी इंट्रो कराते हैं। ये हमारे क्लास का बाबू सबसे अच्छा बाबू, बहुत ही प्यारा, देखिए प्यारा नहीं यार, इससे भी प्यारा कोई हो सकता है क्या यार? कितने घंटा का है आपका व्लॉग? हमारा व्लॉग अभी 12 मिनट 28 सेकंड ही तो हुआ है यार, अरे देखने वाले बहुत पड़े हैं। नहीं गाइस ये मिस्टर मोहम्मद फरहान, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है,
कलर डार्क है लेकिन एकदम स्मार्ट लगता हमारा भाई, बहुत ज्यादा। इनकी इंस्टाग्राम पे आईडी मिस्टर फर्रू, मिस्टर फर्रू आईलेस, आईलेस फर्रू, आईलेस फर्रू, आप चेक करेंगे बहुत अच्छी रील्स बनाते हैं आराम से। गाइस आप लोगों के ऊपर है, इनके लिए हम लोग एक जन्नत जुबेर की तलाश है। हाँ, इनके लिए आपको कोई अगर इनके माफिक लड़की मिले कोई अच्छी सी प्यारी, आप हमको संपर्क बगैर सोचे समझे आप हमको बता दीजिएगा। ये हमारे क्लास के मैनेजर सर जो है इनके दादा लगते हैं, हमारे दादा, अगर हम देखे तो हमारे दूर के नाना भी लग सकते हैं लेकिन इनके दादा लगते हैं। मैनेजमेंट इन्हीं के हाथ में, आधा मैनेजमेंट इन्हीं के हाथ में, हम लोग काम भी करते तो इनके सपोर्ट में करते हैं, इनका सपोर्ट हमको बहुत मिलता है, हम सभी को मिलता है। तो गाइज हम सब चल रहे हैं, हमारी कॉल्स आ चुकी हैं स्कूल से, तो हम लोग अपने फेयरवेल के लिए जा रहे हैं, चलते हैं देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, बस जाने का दिल नहीं कर रहा यार, कैसे जाएंगे इस चमन को छोड़ के जिस चमन में हमने 12 साल गुजारे हैं। ये फैसल भाई हमारे छोटे
आए थे खाना खाने गुप्ता के, जो गुप्ता स्वीट हाउस, गुप्ता स्वीट हाउस कटोकर चौराहे पे हैं। इनके यहाँ का छोला भटूरा बहुत फेमस है, कभी आके खाइए और छोला टेस्टी होता है। तो हम ये गिने चुने बच्चे हैं, टोटल 23-24 लड़के हम सब हैं और बाकी जो स्टूडेंट है वो भी फेयरवेल कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं फेयरवेल हो चुका है फिर भी वो लोग फेयरवेल कर रहे हैं, तो कहना ये है कि हम सब हमारा फेयरवेल हो चुका है, नहीं हो चुका हमारा खाना भी आ चुका है, एंजॉय करते हैं यार, क्या दिक्कत है। तो बात ये थी कि हमारा फेयरवेल कुछ यूं होगा कि हम सब ड्रेस में नहीं थे, देखो इसलिए स्कूल यूनिफॉर्म नहीं, हम लोग फॉर्मल पहनने के लिए सिखाए थे। और क्या नाम है और जो सब थे वो सब ड्रेस में थे, तो हम लोग की एंट्री के लिए बुला, हम लोग स्कूल के फील्ड में थे तब उस टाइम हमने अपने एंट्री के लिए पड़ाके भी फोड़े थे, फिर सारे हमने पड़ाके फोड़े। उसके बाद फिर हमारे स्कूल के कैप्टन साहब जो है एक रिटायर फौजी, वो आए, हम लोग उनसे बोले कि चलिए आप लोगों की एंट्री होनी है। हम सब पहुंचे, जैसे गेट पे गए तो फिर हमारे स्कूल के माननीय प्रिंसिपल सर मिस्टर मुजीब खान फ्रॉम गोइला, जो वो बाहर आके हम सबको इतनी इज्जत दिए जितनी इज्जत हमको 14 साल में नहीं मिली थी, जो इज्जत दी उन्होंने इज्जत हमको रात में हजम नहीं हो रही थी, इतनी ज्यादा इज्जत दी गई कि हमको क्या हमारे भाइयों किसी को नहीं हजम हुई। तो आगे कह रहे हैं कि आप लोग यूनिफॉर्म में नहीं, आप लोग इंटर नहीं कर सकते, जो यूनिफॉर्म में है वही स्कूल में जाए, बगैर यूनिफॉर्म वाले स्कूल से बाहर चले जाए, निकल जाए, मतलब जिसे कहते हैं ना इज्जत से बेइज्जत करना, आप लोग को इज्जत से बेइज्जत करके स्कूल के बाहर से भगा दिया गया। अब ये बताइए बस एक ही स्कूल है, हेरा पब्लिक स्कूल है, और सब स्कूलों में तो नहीं होता है, सभी स्कूलों में कोई भी जो जिसका जो पसंद है वही पहन के जाता है, और इधर तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस स्कूल में जो तालीम हमें तालीम इज्जत हर एक चीज बराबर बताई गई है, अगर पढ़ाई के मामले में देखा जाए तो हमारा स्कूल बेस्ट है, हमारा स्कूल कोई खराबी नहीं है, एक नंबर हमारा स्कूल है। लेकिन आज जो हमारे साथ हुआ है क्या ही बताएं, आज हमारे स्कूल का लास्ट दिन था, 14 साल हमने उसी स्कूल में गुजारे, और इस टाइम जो फेयरवेल का टाइम आया तो हम लोगों को बेइज्जत कर दिया गया, हमारे लिए खाने भी आ चुके हैं, हम लोग स्कूल छोड़ के चले, हम छोड़ के क्या चले आए, भगा दिए गए, फिर दोबारा हम लोगों को बुलाया गया लेकिन हम लोग गए नहीं, क्योंकि एक बार बेइज्जत करने के बाद आप अगर इज्जत दे रहे हैं तो वो इज्जत नहीं है, उसे इज्जत नहीं कहते। हमारे साथ अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ, कम से कम हम लोगों को हमारी असली वो तो पता चली, अहमियत तो पता चली स्कूल को कि हमारी अहमियत इस स्कूल में क्या है, कोई अहमियत नहीं हमारे स्कूल में, इतने प्यार से हम सबको बेइज्जत किया गया, इतने प्यार तो कोई इज्जत नहीं देता है। चलिए ठीक है फिर मिलते हैं, आप सब बताइए हेरा के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप सब अगर हेरा को जानते हैं तो बताइए क्या कहना चाहते हैं। सलाम वालेकुम।